वेलकम गाइस टू द स्क्रीन। तो अभी हम लोग कवर करेंगे नवंबर के जितने भी गेम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे टाइटल्स यहाँ पर है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोग को सब लोगों को पता चले, जिन सभी ने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है या जिनको पता नहीं है कि नवंबर की कौन सी सारी गेम्स लिस्टेड है। बेस्ट गेम्स अभी तक के जो मैंने भी लिटरली मतलब एज पर द इंफॉर्मेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। Here are the biggest games coming out in November 2021. ये Forza Horizon 5 है. Let's see. काफी सही लग रहा है. Okay, this is by Rahul Majumdar. Thank you, buddy. Posted on November 2nd. November 2nd की डेट है बट आज बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये पहले कवर अप करने वाला था बट मैंने सोचा कि थोड़ा दिवाली की वजह से थोड़ा बिजी था तो ऑफकोर्स मैं अभी वीडियो लेके आया हूँ। आई होप यू ऑल गाइज लव इट। So November 2021 is a pretty busy month for gaming releases. As much anticipated titles like Forza Horizon 5, of course, 2021 mein Forza Horizon 5 hai. Ye PC ki lagte hai mujhe. Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Grand Theft Auto Remastered Trilogy and more will be launching this month. So bata rahe ki kaun si games launch hone wali hai, jahan se Call of Duty, Battlefield 2042, GTA ki trilogy hai wo. तो मोर इन्फॉर्मेशन मतलब और सारी लिस्ट है तो उसमें से पहली गेम हम लोग कवर अप करेंगे विच इज़ कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड। ये पीसी PS4 ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, PS5 एक्सबॉक्स वन सीरीज एक्स एंड एस नवंबर 5 को लॉन्च हो रही है जो कि लॉन्च हो चुकी है। ऑफिशियल ट्रेलर ये रहा। तो वैनगार्ड विल डेवलपर स्लेजहैमर गेम्स रिटर्न टू WW2 एरा विद द यूजुअल गेम मोड्स इंक्लूडिंग द कैंपेन मल्टीप्लेयर एज वेल एज ज़ॉम्बीज भी देखने को मिलेगा। कैंपेन मोड मल्टीप्लेयर गेम भी है। IGN tried out to close off an open beta calls out for Vanguard PS5 checkout. So beta version to nikla hi tha iska, of course hum log ne khela. Ab prices ke bare mein baat karenge to Call of Duty Vanguard PS4 ki padti hai 4000 ke lagbhag. PS4 plus PS5 ki jo bundle edition aati hai wo 5000 tak padti hai jo both ek saath le sakte ho. Agar aap standard lete ho to aap PS4 pe hi khel paoge. But uska dono version agar aap le rahe ho to PS4 PS5 wali 5000 tak aati hai aur सिर्फ अल्टीमेट एडिशन लेते हो तो ऑफ कोर्स ये सारे कवरअप होंगे, PS4 PS5 भी होगी उसमें। सो विच विल कॉस्ट अराउंड 6699 विच इज क्लोज टू 6700। आई होप यू नोट डाउन द प्राइजेस गाइस। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है बट नेवर द बेस्ट नेवर द लीस्ट। सेकेंड टाइटल है Forza Horizon 5 विच इज फॉर PC Xbox One Xbox Series X एंड S। डेफिनेटली एक्सबॉक्स वन और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का सीन तो आप लोगों को भी पता है कि कीबोर्ड और माउस लगा के भी आप गेमिंग कर सकते हो, यूजुअली PS5 पे भी होता है वो। तो अगर इसकी बात करें तो ये लॉन्च हो रहा है नवंबर 9th को, ठीक है। सो ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्किप करते हैं। Forza Horizon 5 विल सी द फ्रेंचाइज वेस्ट विजिट मैक्सिको विद अपीयर्स टू बी द मोस्ट स्केलेबल installment yet launching across the different console generations. The game will release on Xbox Game Pass day one for both PC and consoles. Are just physical copies available pre-order in India. That means of course Game Pass jiske paas hoga uski iske benefit milegi, theek hai, Forza Horizon 5 ki, aur wo PC aur console dono pe ho raha hai release. Here are the what editions of game cost in India on Steam pe, PC pe. Forza Horizon 5 standard edition padti hai aapko 3499, विंडो स्टोर पे आपको 399 पे पड़ेगी। सो आई थिंक इस एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस के बारे में लिखा है यहाँ पर। सो डीलक्स एडिशन आपको एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस में पड़ती है 4499, बट विंडोज में आपको 5399 की पड़ेगी। प्रीमियम एडिशन 5499 क्लोज टू 5500, सेम विंडोज में आपको पड़ती है इसको 6599। नॉट बैड, जैसे कि हम लोगों ने देखा है एक्सबॉक्स सीरीज वन और S एंड X दोनों कवर अप कर रहे हैं तो ये प्राइजेस डिफ्रेंशिएट वैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितने प्राइजेस है दोज आर फॉर X, वन और S और राइट साइड के पूरे विंडोज के प्राइसेस है। सो द थर्ड गेम इज गोना बी जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन 2 PC PS4 PS5 Xbox One सीरीज X एंड S विच इज ऑन नवंबर 9th में दो गेम्स लॉन्च हो रहे हैं। नॉट बैड, ठीक है। सो लेट्स सी द प्राइजेस। द प्राइजेस आर गोना बी स्टैंडर्ड एडिशन फॉर 2339 फॉर PC, PS4, PS5 की 3500 3500 के आसपास, और डीलक्स एडिशन इज 2849 PC पे, और जहाँ पर 4000 की आपको पड़ती है PS4, PS5 के लिए। आई होप दैट वर्क्स, नॉट बैड। सो चलो बढ़ते हैं फोर्थ गेम की तरफ। दिस इज द एल्डर स्क्रोल्स फाइव दैट इज द स्काइरिम एनिवर्सरी एडिशन PC, PS4, PS5, Xbox One, X and S, ऑफ कोर्स नवंबर 11th।
एडल्ट स्क्रोल्स के बारे में मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू टॉक टू मच अबाउट इट. पर इसकी प्राइसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखी नहीं है, सो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू फाइंड दैट आउट. मैं पोस्ट जरूर कर दूंगा. लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट. ट्रायलॉजी किसको पसंद नहीं है, वो तो आपको पी एस प्लस के अकाउंट में आप लॉग इन करोगे तो प्राइजेस वहाँ पर भी है, सबके इनफैक्ट इसके भी है. So Grand Theft Auto 5, okay, the Grand Theft Auto, the trilogy, the definitive edition of PC, PS4, PS5, Xbox One X and S, Nintendo Switch pe bhi hai. November 11th is the date. Prices will differ, definitely. The prices are gonna be a little bit different. So let's see. Aur is pe aapko adaptive triggers nahi dekhne ko milenge because the game is not upscaled on adaptive triggers. If you're playing on PS5, bhool jao guys, nahi chalne wala. The original GTA trilogy is written in the new flesh as a Grand Theft Auto. The trilogy, the definitive edition, releases on various platforms, including mobile in 2022. Mobile pe 2022 pe hoga wo, jo abhi nahi hai, but aayega. Android pe bhi hoga, iOS pe bhi hoga. The game will include GTA 5 inspired controls, matlab GTA 5 ki controls hongi usme, which is really nice. Resolution upgrades and improved visual fidelity over the original trilogy and more. Here's what GTA Trilogy Definitive Edition will cost in India for PC and console. PC aur console ki prices yahan par hai. PC ki hai 4994. PlayStation Store pe aapko PS4 PS5 ki padti hai 4000 rupaye mein aur Microsoft Store pe Xbox One X and S ki padegi 1 ki aur 4000 ke lagbhag. So not bad at all. Let's continue to the next part, which is Shin Megami Tensei 5 Nintendo Switch. ये बहुत ही खतरनाक गेम लग रही है मुझे. मतलब ये चाइनीज वाले लोग भी इतने गंदे गंदे नाम लिखते हैं कि पढ़ते पढ़ते जमान लड़खड़ा जाएगी. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मुंह पे सुपारी रख के नाम लिया इस गेम का, विच इज बैड. लेट्स सी. Okay, the Shin Megami Tensei 5, releasing almost 8 years after the previous entry, will include hybrid gameplay mechanics from SMT3. I think this is a game creator, a game designer, I would say. Nocturne and the SMT4. This will mark the second time of the Shin Megami Tensei game will launch on the Switch, with Shin Megami Tensei 3 Nocturne's HD remaster being the first. The game is priced at 5,000 rupees. And is up to pre-order form. Okay, so in Nintendo Switch wale log ke liye hai. Guys, I don't know a shit about this game, to be very honest. I have never played this game. I don't want to comment anymore on this. But please, everyone who is on the Nintendo Switch, please don't get offended. Try this game out. Read information about it. As far as I know, this game seems to be very fine. Just check out the trailer. I've already seen it. Not bad. बट उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि द थिंग्स आई डोंट नो, आई डोंट वांट कमेंट मोर ऑन इट. इट विल बी अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन इट. आई हैव जस्ट रेड इट, पढ़ के आप लोगों को बता दिया हूँ. बट शर्लॉक होम्स, ऑफ कोर्स किसको नहीं पता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक्चुअल में प्ले किया था उस मूवी में. सेम उसकी तरह ही एक मूवी बनाई, मतलब उसके ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पायर्ड ऑन द मूवी देयर इज अ गेम कॉल्ड शर्लॉक होम्स चैप्टर 1 व्हिच इज फॉर पीसी PS5 एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस नवंबर 16th. और ये लॉन्च हो रही है नवंबर 12th और GTA Trilogy नवंबर 11th, Elder Scrolls नवंबर 11th. वाओ दैट्स नाइस. Jurassic World नवंबर 9th. सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन. 16th नवंबर को ये गेम लॉन्च हो रही है. सो व्हाट इट हैज टू से, ऑफ कोर्स एडवेंचरस गेम है. Sherlock Holmes Chapter 1 is a narrative-driven adventure set in the early years of Detective wali game hone wali hai. Sherlock Holmes Chapter 1 will release under two editions, which is going to be Standard and Deluxe Edition. The Standard will also have PC, PS4 and PS5 edition. The PC is going to cost you for 2,299 and the PS4 and PS5 is going to cost you around 3,746 rupees even. Matlab 2,300 ki PC, 3,746 ka PS4, PS5. डिलक्स एडिशन पीसी की पड़ती है 3,000 और PS4 PS5 की पड़ेगी आपको लगभग 5,000 के आसपास. नॉट बैड. शर्लॉक होम्स लाइक थोड़ा एडल्ट गेम हो सकता है, तो प्लीज अगर आप ये गेम खेल रहे हो अपने मॉम डैड के सामने तो टेक प्रिकॉशंस. आई डोंट नो, मैंने पढ़ा था कि ये गेम में थोड़े बहुत सीन्स इज नॉट गुड इनफ टू प्ले इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. So please take precautions when you play this game. I don't want you all to get caught or get bitten up by your parents. This game is a little 18 plus game. So make sure. I don't know much about it, but yes, I've read somewhere. So dhyan rakhe khelna. Battlefield 2042, of course, my favorite
I've pre-ordered the game. PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X and S. November 19 को गेम आ रही है. कौन नहीं रुका इस गेम के लिए? सब रुके हुए हैं इस गेम के लिए. One of my favorite. मेरा दोस्त विनायक भी रुका है इस गेम के लिए. मैं भी रुका हूँ. हम लोग सब लोग बहुत ही पागल फैन हैं इस गेम के लिए. ऑफ कोर्स जितनी बात करूँ उतना कम है इस गेम के बारे में. मैं बहुत पसंद करता हूँ बैटलफील्ड की हर एक एक सीरीज. 5 भी इंटरेस्टिंग है, 4 भी इंटरेस्टिंग है, 1 भी इज़ नॉट बैड. 4 का इनफैक्ट गन्स काफ़ी अच्छे हैं. 5 की गन्स थोड़ी ओल्ड टाइप गन्स हैं और जैसे कि 1990s की गन है और 4 में थोड़े एडवांस गन है. सो बैटलफील्ड थोड़ा अलग ही बनाया है लोगों ने गेम. उसकी गेम प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते. इनफैक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी की किसी भी गेम को आप बैटलफील्ड से कंपेयर नहीं कर सकते. कॉल ऑफ ड्यूटी जब आप खेलते हो खेलने के टाइम पे लिटरली एक फील होता है कि ईजी लगता है वो मारना. बट बैटलफील्ड 5 में जितने किल्स आप ले पाओगे उतने ही आपके हाथ कंट्रोलर्स पे सेट हो जाएंगे. आप उतना ही अच्छा गेम प्ले आप कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स पे दिखा पाओगे. वॉर ऑफ जोन तो ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट. वॉर जोन तो बहुत डिफिकल्ट है. खेल चुका हूँ. लिटरली नूब को टफ दे दिया था मैंने उस गेम में. सो लेट्स रीड. बैटल 2042 हैज एन अपहिल बैटल टू विन दिस ईयर एज इट कम्पीट्स विद कॉल ऑफ ड्यूटी Vanguard as well as Halo Infinite in December. क्या बात है? Halo Infinite in December. What the hell did I read this? Halo? Halo है वो actually. तो Halo Infinite and Vanguard को tough दे रहा है. That means yes, of course देगा भी नहीं. क्यों नहीं देगा यार? The game won't be launching with any campaign. That's the bad part. Campaign नहीं होगा. And from where the looks of its recent open beta, it seems like developer DICE still has a lot of work to do. मतलब जो developer है इस game के DICE, he's still working on the campaign mode, he's still trying to upgrade the game, or I think there is still some mechanics left from him which is trying to work on it. Maybe that's the reason we will not have a campaign, but we'll have a multiplayer game for sure. So some stages will be open. मतलब कोई कोई stage, कोई कोई campaigns हम लोग के लिए open जरूर होंगे, तो हम लोग वो game को खेल जरूर पाएंगे. Battlefield 2042 will release under the three editions. That is going to be standard edition with PS4, Xbox One. Okay, I think that three editions are nothing but the standard edition, cross-gen edition, gold edition, ultimate edition. How come they said three? There are four. So let's read it out. PS4, Xbox One will cost around 4,000 rupees and 3,000 on PC. Okay, cross-gen. Of course, cross-gen hi lunga maybe. PS4, PS5, taki mera dost high drives ko khel paaye. सो मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं जो PS4 अभी भी होल्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे मेंबर्स मेरे साथ खेले, तो मैं क्रॉस जेन ही लूँगा. विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी अराउंड 4,500 रुपीज ऑलमोस्ट, विच इज़ प्लेबल ऑन PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मत लेना गाइस, क्रॉस जेन पे ही जाना. गोल्ड एडिशन आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू अनलॉक लॉट ऑफ थिंग्स, गन्स, स्किन्स एंड एवरीथिंग, कॉस्ट्यूम्स, एंड please put in your money if you have deep pockets. Go with 6,499 rupees and get it a gold edition for PS4 and PS5. And for PC, it's gonna cost you around like 4,799 rupees only. So Battlefield 2042 Ultimate Edition will cost, oh my god, that's 8,500 rupees, which is really bad. And मतलब इतने में तो एक controller आ जाएगा अच्छा वाला. मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती है यार. और 5,600 मतलब 6,000 रुपए on PC, not bad. Very bad. November 2021 will also include many other game releases with many notable titles releasing on Xbox Game Pass, such as ये सारे list जो November में और बहुत कुछ भी आने बाकी है जो इन लोग ने नहीं लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाता. तो Minecraft, Java, Bedrock Editions Xbox Game Pass वाले लोग के लिए है. Unpacking Game Pass, It Takes Two फालतू गेम Xbox Game Pass के लिए है. अगर किसी को offend हुआ रहेगा, I'm sorry, but that's बचकाना game. Not बचकाना, I would say joke लगा मुझे वो game, पता नहीं क्यों, but yes. Kill It With Fire Xbox Game Pass, Football Manager 2022 Xbox Game Pass again, Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition game Xbox Game Pass में भी आ रहा है. Final Fantasy V Pixel Remastered PC November 10th, Just Dance 2022 on Xbox One, Series X and S, PS4, PS5, Nintendo Switch on November 4th, जो already हो चुका है launch. Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, Nintendo Switch on November 19th, Farming Simulator 2022. Did I say 2022? Sorry guys, it's Farming Simulator 22. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, November 2022 ko. Nahi, November 22 ko aa raha hai. So this was the list of the games, and if we counted,
So that's gonna be like number one, number two, number three, number four, and it scrolls. Number five comes Trilogy, number 11. Number six, Shin Megami Tensei, numbers, okay, that's seven. On November 12th, this is the eighth game, the ninth one, and this many games. So nine major aisles are covered, and I hope that works for you all guys. So I hope you all guys love the video, and this is just an informative video about the games which are getting launched. So I hope I've covered all the games which were supposed to be launched in November 2021. I hope you all love this video. If you like this video, please like karna, comment bhi karna, aur apni raaye zarur batana. जितने भी नवंबर के टाइटल्स हैं वो सारे कवर अप कर लिए. ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाला था, बट दिवाली सीजन की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं वीडियो थोड़ा लेट हो गया. सो आई एम सॉरी गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, और आई एम सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू कवर अप माई सेल्फ. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप दिस इन्फॉर्मेशन वेरी इन्फॉर्मेटिव विदाउट वेस्टिंग एनी इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो विच आई ऑलवेज डू. तो मुझे लगा कि अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ गेम्स को कवर अप कर लेता हूँ, और वो ही मैंने किया. सो आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, एंड दिस इज केविन फ्रॉम जेनाटेक गेमर. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. इट्स बिन 3 months वी हैव स्टार्टेड आवर गेमिंग चैनल, इट्स कम्प्लीटली न्यू. योर सपोर्ट डज मैटर्स अ लॉट टू आवर चैनल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड एवरीथिंग. सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज केविन फ्रॉम जेनाटेक गेमर. लव यू ऑल, सी यू एट द लाइव स्ट्रीम. टेक केयर, बाय बाय टिल देन, पीस आउट, बाय.